भक्ति इत्था भूत गुणारी, मतलब है भगवान की हरि की जो गुण है, भगवान की जो माधुर्य है, भगवान की जो लीला में इतने रस है, उसमें इतने आनंद है, जो आत्मा में रमण करने वाले व्यक्ति है, जो आत्मा में संपूर्ण जो डूबे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति जब भगवान की भक्ति को बारे में, उनके प्रेम को बारे में सुनते हैं, उन्हें सब कुछ छोड़ करके भगवान की प्रेम रसों में, भक्ति रस में वो डूब जाते हैं, हैं? जो डूब जाते हैं, इसे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण प्रेमानंद जे आनंद सिंधु, कोटि ब्रह्मानंद नहि तारे एक बिंदु। कृष्ण प्रेम रस में जो आनंद है, करोड़ों ब्रह्मानंद भी मिल करके एक बूंद का साथ में बराबर नहीं कर सकते, इतने कृष्ण माधुर्य में आनंद है, हैं? इतने माधुर्य है उसके अंदर में। इसलिए उन्होंने 78 का व्याख्या की, यदि यही श्लोक को जब श्री चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी के पास में 64 तरह का व्याख्या किया, कितने तरह का 64 तरह का महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी के पास में 64 चैतन्य चरितामृत में उन्होंने बताया गया कैसे ये आत्मा शब्द कितने अर्थ है, कितने 64 तरह का व्याख्या उन्होंने की। जब उन्होंने महाप्रभु की व्याख्या को सुने, सार्वभौम भट्टाचार्य तो अक्के बक्के चके रहे, बोले ये तो ये क्या बोल रहा है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ इसका ऐसे ऐसे प्रेम प्रगा भक्ति हो अर्थ हो सकता है। वो समझ गए ये साधारण जीव का दर में कभी भी ये ज्ञान हो ही नहीं सकता है, केवल ये भगवान में ही ये ज्ञान हो सकती है। फिर उन्होंने बोले प्रभु आप बताओ आप है कौन, लगता है आप कोई जीव है ही नहीं। फिर महाप्रभु ने सर्वज रूप में दर्शन दिया है, जिस रूप का दर्शन करते हुए महाराज बता रहे थे ना, उन्होंने 100 श्लोक से उन्होंने महाप्रभु की स्तुति की, बोले वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा बुद्धि जम तमहम प्रपत्ति। बोले वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, कहते कलयुग में स्वयं भगवान कृष्ण ही वैराग्य विद्या, मतलब वैराग्य मतलब विशेष पूर्वक जो अनुराग है, जो प्रेम रूपी विद्या को शिक्षा देने के लिए कृष्ण स्वयं ही शिक्षार्थ में एकम पुरुष पुराण, स्वयं भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में जगत में आए। फिर उन्होंने 100 श्लोक को उन्होंने की स्तुति की है, 100 श्लोक से स्तुति की। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य संपूर्ण बदल गया, बदलते हुए सार्वभौम भट्टाचार्य बाद में कहते हैं मैं पहले कौआ था, कौआ जैसे का 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 करता ना, का शब्द सुनो कान से दर्द हो जाता है, लेकिन ये कौआ को उन्होंने कोयल बना दी। कोयल क्या करती है बसंत ऋतु में कुहू, बड़ी मीठी मोटी बोली बोलते हैं, कहते पहले में कौआ था मेरे को उन्होंने महाप्रभु कोयल बना दिया और उन्होंने गरुड़ बना दिया। पहले मैं क्या करता था, नीम रस को पान करता था, लेकिन महाप्रभु ने मेरे को प्रेम रस भक्ति में महाप्रभु में संपूर्ण सराबर कर दिया। इसलिए सर्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु का इतने बड़े भक्त बने, इतने बड़े भक्त बने, जहाँ पर कहते हैं सब मुक्ति पद दाय भाग, जब वो श्लोक को पढ़ते हैं कहते भक्ति पद दाय भाग, महाप्रभु भैया ने मुक्ति का शब्द दिया तो ये भक्ति पद क्यों कर रहे हो, वो तो मुक्ति पद मूल में दिया। बोले प्रभु ये मुक्ति का प्रति मेरी इतने घृणा हो गई, इतने घृणा हो गई, मुक्ति नाम सुनते मेरे को घृणा लगता है, इसलिए मुक्ति स्थान पर उन्होंने भक्ति शब्द प्रयोग किया। बोले नहीं, श्री व्यास देव जी ने ब्रह्मा जी ने जो शब्द प्रयोग किया वो सही शब्द है, मुक्ति पद मतलब होता है मुक्ति जिनके चरण में रहता है, मुक्ति पद मतलब मुक्ति जिनकी चरण में, वैष्णव की चरण में, भगवान की चरण में ये मुक्ति रहती है। इसलिए ये जो स्थान है महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का, महाप्रभु का परिकर सार्वभौम भट्टाचार्य, महाप्रभु जो बोल रहे थे, महाराज सची देवी, गंगा माता, ये सबकी भजन स्थली है, सबके यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर सबका चरण धूलि पड़ा हुआ है, हाँ सब भक्तों का चरण धूलि पड़ा हुआ है, हैं इसलिए हम सबके सब यहाँ पर प्रणाम करते हैं, सब भक्तों का चरण धूलि लेते हैं, हैं चरण धूल लेकर के फिर हम इसके आगे अभी हम बढ़ेंगे। बोले श्री सार्वभौम भट्टाचार्य की जय।
प्रभु की। श्री पूज्य पास भक्ति विदान